हाँ तो देखो बहुत बड़ी ऐसा नहीं होता कि आपके किसी काम में या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में आप जब जाते हो तो वहाँ पर देखते हो जो वहाँ पर लिखा है जो ये वाला पिक्चर या ये वाला ये जो है वो इतने KB के अंदर वो पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर कोई सभी पिक्चर हो, कोई सभी साइज हो, 500 KB से लेकर 20 KB से लेकर कोई सभी एक साइज वहाँ पर दिया हुआ रहते और आप परेशान हो जाते हो क्योंकि आप बार बार किसी ऐप में या वेबसाइट में जाते हो और उस पिक्चर को बार बार रिड्यूस करते हो, कॉम्प्रेस करते हो। तो वहाँ पर पहले तो बार आप जाते हो, रिड्यूस करते हो, उसके बाद फिर से आकर चेक करते हो कि उतने अंदर हुआ है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर से आप जाते हो, फिर से आप कॉम्प्रेस करते हो और फिर से ये बार बार आपको ये तो बहुत ही दिक्कत देता है। तो बार बार जाके करना ये तो बहुत परेशानी की बात है और कई बार होता भी नहीं है। बार बार हमको 3-4 बार करने के बाद होते एक बार होता है, उसके बाद अगर वो जो भी इतने हाई क्वालिटी में है तो वो कॉम्प्रेस होता ही नहीं है। वो कॉम्प्रेस 1-2 KB करके कमता है, हमको बहुत बार करना पड़ता है और हम बहुत ज़्यादा उस बग में परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए देखो, मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर सिंपली आप उस पिक्चर को अपलोड या कर दो, उसके बाद आप कोई सा भी एक साइज चूज़ कर लो जितने के अंदर आपको उसको चाहिए, तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको वो उतने के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई सा भी अलग से कोई तात्पर्य ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्ले स्टोर कोई ऐप से आप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी भी एक ब्राउज़र में चले जाओ, ये पूरा सेफ है, तो ये पूरा चल जाओ इस वाला वेबसाइट में। तो मैं यहाँ पर उसको लिंक मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा, तो आप जाकर चेक कर लेना। यहाँ पर ये वाला जो वेबसाइट है वहाँ पर जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं आपका मेरा फाइल के अंदर में जाके एक बार दिखाता हूँ ये जो पिक्चर है ये कितना साइज के अंदर है, तो मैं इसको एक बार दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं ये वाला पिक्चर को करूँगा, तो ये वाला पिक्चर को तो देख सकते हो यहाँ पर जो इसका डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका डिटेल्स जो है 2.17 MB है, तो मैं इसको अपलोड करूँगा। तो मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर ये वाला देखते हैं, इसको हम यहाँ पर से अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से अपलोड कर देते हैं, तो ये अपलोड हो रहा है। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको कोई सी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, JPG है तो अगर आप कोई सी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, कोई सा भी आपका कोई सा भी आपका अगर वहाँ पर फॉर्मेट भी आता है तो कोई सा भी आप यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर DPI चेंज कर सकते हो, विथ हाइट अपना साइज देख सकते हो, मैं यहाँ पर साइज चेंज कर सकता हूँ। आप कोई सा भी यहाँ पर अंदर ले सकते हो। मान लीजिए आपको इसको 100 KB के अंदर चाहिए, तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अप्लाई कर देने के बाद अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पर जाकर आप फॉर्मेट को चेंज कर देना, चेंज करने के बाद अप्लाई कर देना। ऐप करने के बाद यहाँ पर चेक प्रीव्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना, तो मैं यहाँ पर चेक प्रीव्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर रोटेट करना चाहते हो रोटेट भी कर सकते हो, क्रॉप करना चाहते हो क्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स है, तो यहाँ पर मैं सिंपली डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा उसका साइज मैं जितने के अंदर दिया था वो हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर से यह डाउनलोड हो चुका है और देख सकते हो मैंने 100 KB के अंदर दिया था, तो मैं 96 KB दिखा रहा है। तो देख सकते हो ये आराम से 96 KB के अंदर ये डाउनलोड हो चुका है। तो आपको बार बार कहीं से भी जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो ये वाला जो है तो ये 100 KB के अंदर दिया था, देख सकते हो 98 KB के अंदर आसानी से हो चुका है। तो ये आपको मुझे लगता है ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये वेबसाइट, बहुत ही चीज़ों में आपको एक क्लिक में आपको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो बार बार कहीं से भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको ट्राई करो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो ठीक, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।